नाजरीन, इस टाइम मैं मौजूद हूँ कुंडल शाही में। ये आप मेरे पीछे जो बाज़ार देख रहे हैं, ये कुंडल शाही का बाज़ार है। आप जब सड़क से उतरेंगे तो 2 मिनट की हाइकिंग के बाद ये वाले सीन होते हैं। यहाँ पे छोटा सा पन बिजली घर बना हुआ है। अभी मैंने चिलाना से सफ़र किया है कुंडल शाही तक, और लोकल ट्रांसपोर्ट पर इसका जो किराया है वो 150 रुपया है, और तकरीबन 1 घंटे का सफ़र है। 1 घंटे बाद आप कुंडल शाही पहुँच जाते हैं। तो यहाँ से मैंने आगे वाटरफॉल की तरफ जाना है। अगर आप पैदल जाना चाहें तो 15 से 20 मिनट लगते हैं, और अगर आप रिक्शा या बाइक या करवाएंगे तो आपसे 100 रुपया किराया लेगा और वो आपको वहाँ पे पहुँचा देगा। अभी मैंने वहाँ आईबैक्स कॉटेजेस अली रिजवान ख्वाजा भाई हैं उनके पास जाना है, और वहाँ जा के सीन्स देखते हैं कि क्या है, उसके बाद फिर बाकी जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। ये रास्ते में एक खूबसूरत छोटी सी वाटरफॉल है, और इधर माशाल्लाह दरिया के नज़ारे चेक करें। फुल रवानी के साथ पानी बह रहा है, फुल तेज़, क्योंकि अभी बर्फ़ पिघलना स्टार्ट हो गई है और इधर बादल भी बन रहे हैं। मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा है, बारिश का ख़तरा है। तो अभी मैं चलता हूँ आगे और इस रास्ते के नज़ारे आपके साथ शेयर होते रहेंगे। सड़क की हालत ठीक है यहाँ तक, तो अगर आप अपनी गाड़ी पर आते हैं तो ईज़िली यहाँ पर आप आ सकते हैं। मज़ीद आगे जो भी सीन्स होंगे सड़क के वो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अभी ठंड काफ़ी हो चुकी है क्योंकि मई का एंड है, और तकरीबन 5 बजे के बाद ठंड बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। तो अगर आप इस सीज़न में आते हैं तो अपने साथ अपर वगैरह लाजमी लेके आएँ ताकि आपको कोई टेंशन ना हो। ये सामने ऊपर देखें, उधर भी डैम का पानी और आगे से भी ओवरफ्लो हो रहा है सारा। यहाँ से सड़क जो है वो कच्ची स्टार्ट हो गई है, बारिश में यहाँ पे सड़क जो है वो सही नहीं होती, क्योंकि बारिश का पानी सारा ऊपर से इधर नीचे दरिया में गिरने के लिए इसी जगह से आता है। कुछ नाले से आता है और कुछ सड़क से, तो सड़क बनाते हैं तो टूट जाती है। अभी देखें अखरोट के दरख्त हर तरफ, माशाल्लाह ज़बरदस्त व्यूज़ हैं। पंजाब में तो गंदम पककर तैयार हो गई थी, बल्कि काटी जा चुकी है, और कपास भी तैयार है, लेकिन इधर नीलम में देखें अभी गंदम जो है वो कच्ची है, और कम से कम 1 महीने बाद ये तैयार होगी। मैं अभी तक 15 मिनट का फासला तय कर चुका हूँ, यानी 15 मिनट हो गए हैं मुझे सफ़र करते हुए। तो अभी यहाँ एक किराना स्टोर था, उस भाई से मैंने इन्फॉर्मेशन ली कि वाटरफॉल कितनी दूर है, तो भाई का कहना है कि अभी भी 15 मिनट लगते हैं। तो इसका मतलब है कि मेरा आधा घंटा लाजमी लगेगा, क्योंकि पीछे जो मेन बाज़ार में भाई थे उन्होंने बताया था कि 15 मिनट लगेंगे, 15 मिनट गुजर चुके हैं, अभी 15 मिनट और का मतलब है कि आधा घंटा। तो जब यहाँ के मकामी लोग आपको कोई भी इंफॉर्मेशन दें तो उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, तो वो आपका एक्चुअल टाइम निकल आएगा अगर आप पैदल जाते हैं। कुंडल शाही का एरिया माशाल्लाह काफ़ी डेवलप्ड एरिया, सड़क भी अच्छी है, मकान भी अच्छे हैं, लोग भी अच्छे हैं, और माशाल्लाह यहाँ पर अखरोट और मुख्तलिफ जो पौधे हैं वो नज़र आ रहे हैं मुझे। ये देखें, ये अखरोट का पौधा है, और सुनने में आया कि यहाँ पे खुबानी और नाशपाती भी होती है, लेकिन वो देखेंगे तो पता चलेगा। ये रोड साइड पे कब्रिस्तान बने हुए हैं, काफ़ी जगह मैंने इस तरह की कब्रें देखी हैं, तो जो भी लोगों के प्यारे होते हैं इनको इस तरह दफनाते हैं यहाँ पे। अभी वाटरफॉल से थोड़ा पीछे खड़ा हूँ, तो यहाँ से माशाल्लाह सामने गाँव के नज़ारे चेक करें कितने खूबसूरत। ये सामने सारे घर हैं और नाला फुल रवानी के साथ बह रहा है। ये वाला रोड आगे जागरा और बाबून वैली की तरफ भी जाता है। वाटरफॉल यहाँ से 2 से 3 मिनट के फासले पर है, तो अभी आगे चलते हैं और वहाँ के व्यूज़ आपको दिखाते हैं। नाजरीन, अभी मैं वाटरफॉल के पास पहुँच चुका हूँ। आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत नज़ारे हैं, बहुत ही तेज़ पानी है इधर, बहुत ज़्यादा शोर है, लेकिन क्योंकि माइक में नॉइज़ कैंसिलेशन है तो शायद आपको शोर सुनाई ना दे पानी का। और ये सामने पुल है,
इस पुल की हिस्ट्री भी आपके साथ शेयर करूंगा। और अभी आगे चलता हूँ, पूछा है कि उधर भाई हैं या नहीं, तो उन्होंने कहा कि उधर ही मौजूद हैं, तो बाकी के नज़ारे इंशाल्लाह आपके साथ बाद में शेयर करूंगा। ये है जी आईबैक्स कॉटेजेस, और मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। अभी चाय भी है, उसके बाद थोड़ा सा इंजॉय करते हैं यहाँ बैठ के, और फिर रूम की कंडीशन देखते हैं कि क्या सिचुएशन है, क्या रेट्स हैं, और फिर आपके साथ वो भी शेयर करते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम जागरा। जैसा कि नाजरीन आपको पता है, कल मैं कुंडल शाही तक पहुंच गया था और आगे का सफ़र भी आपके साथ शेयर किया। अभी मैं जागरा में एक बहुत ही शफीक इंसान, बहुत ही मिलनसार इंसान, जनाब असलम सार पीरजादा के गेस्ट हाउस, मून गेस्ट हाउस में मौजूद हूँ। बहुत ही अच्छा इंसान है, अगर आप कुंडल शाही आते हैं तो इनसे रब्ता ज़रूर कीजिएगा। मैं इनका नंबर नीचे मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। मज़ीद यहाँ अभी मौसम बहुत खूबसूरत है, बारिश लगी हुई है, और अभी मैं बाहर तो निकल नहीं सकता, जब बारिश रुकेगी तो फिर बाहर निकलूँगा। फ़िलहाल मैंने सोचा कि आपके साथ मून रिज़ॉर्ट का जो अंदरूनी व्यू है वो शेयर कर दिया जाए, ताकि जब भी आप कुंडल शाही आएँ तो यहाँ आके लाजमी आप स्टे करें और इंशाल्लाह आपको अच्छी सर्विसेज मिलेंगी। तो चलिए आपको पहले इनके कमरों का रिव्यू करवाते हैं, उसके बाद आसपास की जो खूबसूरत जगह हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। नाजरीन ये है मून गेस्ट हाउस की एंट्रेंस, और जब आप यहाँ आएंगे तो कुछ इस तरह के सीन होंगे। ये सामने माशाल्लाह बिल्डिंग है इनकी, और फर्स्ट फ्लोर इनका ये है। अभी चलते हैं ऊपर और आपको यहाँ कमरे दिखाते हैं। ये देखें माशाल्लाह, ये हैं इनके रूम्स। ये 3 बेडरूम है और 2 बेडरूम भी है और सिंगल भी अवेलेबल है। ऊपर भी इनके रूम्स हैं, अभी ऊपर भी चलते हैं और ऊपर भी आपको दिखाते हैं कि किस तरह के रूम हैं। ये अभी मैं ऊपर जा रहा हूँ, बल्कि पहले आपको इधर ये विज़िट करवाते हैं। ये देखें, ये फैमिली रूम है, अटैच वाशरूम की सहूलत भी मौजूद है, और इधर ऊपर भी रूम्स हैं। ये सिटिंग एरिया, यहाँ आप बैठ के सामने के नज़ारे एंजॉय कर सकते हैं। एक रूम ये है 4 बेड वाला, और एक रूम ये है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी लोकेशन है, आप जब भी आएँ तो यहाँ का विज़िट लाजमी करें। अभी इधर आगे भी रूम्स मौजूद हैं इनके। ये देखें, ये सिटिंग एरिया, जहाँ अगर आप ग्रुप में हैं तो यहाँ बैठ के आप खाना खा सकते हैं, और इधर भी बहुत VIP रूम्स हैं। नाज़रीन अभी बारिश स्टार्ट हो गई थी, तो थोड़ी देर मैंने उधर वेट किया, अभी मौसम थोड़ा खुला है तो निकला हूँ मैं। यहाँ के नज़ारे आप देखें, ये बहुत ही एक अच्छी पुल बनी हुई है लोहे की। एक नाला इधर ऊपर से आ रहा है, और ये मेन नाला है जागरा का जो इधर से आ रहा है। इधर ऊपर भी होटल मौजूद हैं,
अभी आगे चलते हैं वाटरफॉल की तरफ और उसके खूबसूरत नज़ारों से आपको लुत्फानंदोज करवाता हूँ। ये देखें लोग अपने घरों की तामीर के लिए पत्थर निकाल रहे हैं दरिया से, ये इनको लेके जाएंगे वहाँ पे इनको रिफाइन करेंगे, इनकी शेप्स बनाएंगे और फिर अपने घरों की तामीर में इनको इस्तेमाल करेंगे। अभी मैं वाटरफॉल के करीब पहुंच चुका हूं। ये सामने है यहाँ का मशहूर होटल आईबैक्स कॉटेज और रात मैंने इधर ही स्टे किया था रिजवान भाई के पास। अभी पानी काफ़ी तेज़ हो चुका है क्योंकि बारिश भी हो रही है और बर्फ़ भी पिघलना स्टार्ट हो गई है। अभी नज़ारे वाटरफॉल के बहुत ही खूबसूरत हो गए हैं। नाज़रीन अभी मैं वाटरफॉल के करीब पहुंचा तो यहाँ पे एक बहुत अच्छे हमारे दोस्त आठ मकाम के शराफत भाई हैं, उन्होंने ये एक कश्मीरी कल्चर की गाड़ी डेवलप की है माशाल्लाह। ये देखें टोटली गाड़ी डेवलप है और इसमें मुख्तलिफ चीज़ें वो सेल करते हैं, जैसे ये कश्मीरी लिबास हो गए बच्चों के और खिलौने वगैरह हो गए, कश्मीरी टोपियाँ हो गई बच्चों के लिए एनके, और ये सारा सेटअप उन्होंने गाड़ी के अंदर किया हुआ। और इस गाड़ी की डीलिंग जो है वो साजिद भाई करते हैं, ये नीलम के ही रहायशी हैं माशाल्लाह। तो ये सारा सेटअप है और माशाल्लाह ये नीलम में हर जगह ये घूमते रहते हैं। नाज़रीन ये है एंट्रेंस पॉइंट वाटरफॉल के लिए, ये देखें ये सामने पुल है और इस पुल की जो हिस्ट्री है वो बहुत ही दर्दनाक है। यहाँ ऊपर लिखा हुआ है फैसलाबाद से कुछ साल पहले कुछ स्टूडेंट और यहाँ के मकामी बच्चे ये पुल जो है वो तारों से बनी होती थी और नाजुक होने की वजह से बहुत बड़ा हादसा यहाँ पे पेश आया था। ये यहाँ पे तफसीलात दी गई हैं, ये देखें ये यहाँ पे 13/5/2018 को हादसा पेश आया था। और ये है सामने के नज़ारे, कुछ तफसीलात यहाँ पे भी शेयर की गई हैं, ये आप पढ़ सकते हैं ऊपर सारा लिखा हुआ है जो बच्चा यहाँ पे हुआ था। और 16 पाकिस्तानी तुलबा और तालबात जो थे वो तेज़ लहरों की नज़र हुए थे। ये हैं खूबसूरत नज़ारे, क्योंकि अभी जो वेदर है आप देख सकते हैं क्लाउडी है तो सूरज नहीं निकला हुआ, इतने यानी कि खूबसूरत नज़ारे नज़र नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा सिस्टम है। अभी इस साइड पे आगे जा रहा हूँ और वहाँ से देखते हैं कि वाटरफॉल के कैसे नज़ारे हैं। ये यहाँ पे बिजली बनाने के लिए ये डैम की शक्ल दी गई है और आगे कुंडल शाही के पास जाके बिजली पैदा होती है। आईबैक्स कॉटेज के बिल्कुल सामने पत्थर पे ये खूबसूरत सा पॉइंट बनाया गया, यहाँ से आप वाटरफॉल के खूबसूरत नज़ारे कर सकते हैं। नाज़रीन ये थी मेरी कुंडल शाही वाटरफॉल की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी।
वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।